नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स का 22 जुलाई का, जिसके अंदर हम सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि कल के डे में क्या क्या हुआ। तो यदि आप में से कोई नया है हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 20 जुलाई को दो दिन पहले अभी हमारा एक नया कोर्स, नया सिलेबस लॉन्च हुआ है जिसमें डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो आप अटेंड कर सकते हैं डेमो क्लासेस को और उसके बाद परचेज बेसिस पर यानी उसे परचेज करके आप फर्दर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस का आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी लाइव क्लास के साथ साथ यदि आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी इसकी अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो फर्दर कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और गाइडेंस या कॉलिंग या जो भी क्वेरी हो उसे सॉल्व कीजिए। दोस्तों, ये हमारे करंट अफेयर्स की पूरी डिटेल है, जिसके अंदर हम इन 12 से 20 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आप स्क्रीन पोज करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी बच्चे अलग अलग मैसेजेस करके कहते थे कि सर इसकी डिटेल बनाइए, डिटेल दे दीजिए, तो अब हमने आपकी एक लिस्ट बना दी है जिसके अंदर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इनमें लगभग सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहले इस वर्ल्ड मैप से। वर्ल्ड मैप के अंदर समझना है कि सिनेरियो क्या चल रहा है, तो आपकी जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज आएंगी वो अब दो हिस्सों की आएंगी, या तो चाइना के पक्ष की आएगी या फिर भारत के पक्ष की आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर का ईरा चल रहा है, कोल्ड वॉर का सेक्शन शुरू हो चुका है, जिसके अंदर भारत ने अगर बैन की है चाइनीज ऐप, चाइना के सामान को आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद को खड़ा करने की प्रयास की है, तो वहीं पर चाइना ने भी धीरे धीरे हिंदुस्तान के सभी जो अलग अलग दोस्त थे से हमारे संबंध खराब करने शुरू कर दिए। तो कैसे देखते हैं, सबसे पहली बात, चाइना का सबसे अच्छा हमारा रिलेशन था नेपाल के साथ में, ये नेपाल के साथ रिलेशन हो चुका है खराब। इसके बाद चाइना ने ईरान से रिलेशन खराब कर दिए हैं, चाइना के साथ हमारे पाकिस्तान से रिलेशन खराब हो चुके हैं, तो अब ये दोनों किसको सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है चाइना को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद ये म्यांमार, बांग्लादेश, ये वाला सेक्शन जो है ये इनका, ये भी चाइना की सपोर्ट में चला गया। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर ये धीरे धीरे तुर्की जो अमेरिका से खफा चल रहा है, अगर ये भी चाइना के फेवर में चला जाता है, तो आप इस सिनेरियो को ऐसे देखिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन जो इसमें रशिया भी आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन एक तरीके से चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा, चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा, जिसके अंदर जापान को छोड़ दीजिए, जापान को हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर अब भारत के पास में कोई भी न्यूज़ आती है बॉर्डर से रिलेट, साउथ चाइना सी से रिलेट या कोई भी, तो उसके अंदर लगभग जो है यहाँ पर ये बचे हुए कंट्रीज ही इंडिया की सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज ये सारे के सारे देश इस समय चाइना के होल्ड में हैं। अब अगर 1% वॉर होती है तो ये सारे के सारे देश एक तरीके से खुद को ऐसे लॉक कर लेंगे कि यहाँ पर एंट्री कर पाना इम्पॉसिबल होगा। खाली एक भारत ही ऐसा कंट्री है जो अमेरिका से सपोर्ट पाएगा, कनाडा से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी, हालांकि ये सारे के सारे वो स्ट्रांग कंट्रीज हैं जो किसी भी तरीके से दबने नहीं वाले हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ से अफ्रीका एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है जो कर्ज की जंजाल में फंसा हुआ है, तो इनका सारा का सारा सेक्शन जो जाएगा किसके कंट्रोल में जाएगा, सारा का सारा जाएगा चाइना की सपोर्ट में, तो इस समय बहुत छोटा सेक्शन बचता है भारत की सपोर्ट के लिए, और धीरे धीरे भारत के लिए एक डेंजर जोन वाली परिस्थिति सामने आ रही है। जैसे ईरान से रिलेशन खराब हो गए, अफगानिस्तान से रिलेशन खराब होने की उम्मीद है, क्योंकि चाइना जो है अफगानिस्तान को बहुत अच्छी अच्छी लपलपाने वाली एक तरीके से डील्स देने लग रहा है, और इन डील्स के आधार पर अफगानिस्तान कहीं ना कहीं झुक रहा है चाइना की तरफ। अब चाइना की तरफ अगर अफगानिस्तान झुक जाता है तो पूरा का पूरा सेक्शन एक तरीके से सारे मित्र देश जो होंगे भारत के खत्म हो जाएंगे और चाइना की सपोर्ट में पहुंच जाएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी क्या हुआ, अलग अलग प्रकार से नेवी के पासेक्स के क्या शुरू हो रहे हैं, नेवी के पासिंग एक्सरसाइज के यहाँ पर समुद्र के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर, इंडियन ओशियन के बाद आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर यहाँ पर शुरुआत की जा रही है अलग अलग प्रकार से काफ़ी सारी ड्रिल्स की, ड्रिल्स यानी एक पासिंग एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है। इस पासिंग एक्सरसाइज के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के शिप्स जो हैं वो और भारत के शिप्स जो हैं यहाँ पर पूरी की पूरी हर प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज इन द सेंस अपने शिप्स को चलाएंगे, शिप्स चलाने के साथ साथ यूएस के वॉरशिप्स भी यहाँ पर अब लॉन्च हो चुके हैं। अब अगर बात करें यूएस के वॉरशिप्स, तो यूएस के वॉरशिप देखिए कितना लंबा सफर तय करके आए, ये यहाँ से
ये सफर तय करके यहां पर इंडिया के साथ जुड़े हैं। तो इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब ये भारत के साथ जुड़े हैं साउथ चाइना सी के अंदर। ये पूरी की पूरी मेजर ड्रिल्स कर रहे हैं, समुद्र की लोकेशन को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 1% इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद अगर किसी प्रकार से चाइना जो है अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है और फिलीपींस या किसी जापान जैसे कंट्री को तंग करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए एक तरीके से ये चेतावनी है। इसके अंदर इंडिया की साइड के ये जहाज चले हैं, जिसके अंदर हमारी INS हो गया, राणा हो गया, शिवालिक हो गया, INS शायद्री हो गया, INS शिवालिक हो गया। तो ये सारे के सारे 8 शिप्स जो हैं चलाए गए थे। US की साइड के भी काफी सारे शिप्स चले थे, जिनके अंदर ये उनके नाम है, जैसे US नेवी कैरियर हो गया। इसके अंदर जो ये शिप्स चले हैं, इसके अंदर डिफेंस आर्मी और एयरफोर्स, इन तीनों की एक तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे ड्रिल हो रही है, तैयारी हो रही है, आर्मीज को तैनात किया जा रहा है। ये पासिंग एक्सरसाइज काफ़ी लंबे समय तक चली है। इधर पहले जापान के साथ भारत की पासिंग एक्सरसाइज चली थी, इसके बाद ये पूरा का पूरा सेक्शन तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुछ ही समय में ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा भी इसको ज्वाइन करने की परिस्थिति के अंदर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि वॉर की परिस्थिति ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट वॉर की परिस्थिति स्टार्ट हो चुकी है। और इस बीच के अंदर भारत को अपने आप को और सशक्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। कभी ऐसा ना हो कि 62 वाली लड़ाई की तरह इंडिया इनकी मदद का इंतज़ार करता रह जाए और ये सारे देश मिलकर कहीं ना कहीं भारत को परेशान करने का प्रयास करें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी शक्ति प्रदर्शन समय समय पर अब तेजी से कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो कैपिटल है वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि शायद कुछ समय के लिए हैं, नवंबर के इलेक्शंस के बाद जाते हुए नजर आ रहे हैं। और करंसी है US डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर्स की। हालांकि अभी हाल ही में के अंदर जापान का भी पासिंग एक्सरसाइज हुआ है, पासिंग एक्सरसाइज के बाद फिलीपींस के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हुए हैं, ताकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी के साथ साथ अगली न्यूज़ आती है यहाँ पर, MOD की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है BEML के साथ एक माइन प्लो। एक ऐसा तरीका होता है जो जहाज़ों के आगे यहाँ फ्रंट पे, जैसे आप पेन से देख रहे हो कि मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, एक जैसे कूड़ा उठाने वाला ढेर सा होता है, वैसा एक माइनेक्स के प्लो माइंस करके यहाँ पे जल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, ज़मीन के अंदर हल्का सा इन्हें खोद दिया जाएगा, जैसे खेतों को जोतने के लिए खड्डे खोदे जाते हैं ना ज़मीन से ट्रैक्टर से, सेम ऐसा ही माइन प्लो बनाया जाएगा, एक ऐसा औजार बनाया जाएगा जिसके अंदर ज़मीन के अंदर गड़े हुए जितने भी बम या विस्फोटक सामग्री हैं उनको चलते समय निकाला जा सके और इन जहाज़ों को या बड़े बड़े टैंक्स को उड़ने से या फिर ब्लास्ट होने से बचाया जा सके। इसमें टेक्नोलॉजी का, जान का, माल का, तीनों चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा संरक्षण होगा। ये टेक्नोलॉजी आज तक के किसी भी टैंकिंग सिस्टम के अंदर अप्लाई नहीं हुई है। भारत ने पहली बार इसे भारत में मेक इन इंडिया के आधार पर इनिशिएटिव लेकर के इधर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की सपोर्ट से इसे तैयार किया गया। इसके अंदर 557 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 1512 माइन प्लो जो होंगे वो आगे T90 टैंक्स के अंदर लगाए जाएंगे। T90 टैंक्स को इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अभी तक की लेटेस्ट प्रणाली के अंदर चलने वाले टैंक्स हैं, लेटेस्ट प्रणाली के चलने वाले टैंक्स हैं, जिसके अंदर ये टैंक्स किसी भी प्रकार के जल्दी से किसी भी गोली का, बारूद का शिकार नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो माइंस हैं, जो बेसिकली ज़मीन में खोदने वाले दबा के वाली माइंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंस हो सकती है, नुकसान दे सकती है, इसलिए इन्हें बचाना ज़रूरी है। इसी के रिड्यूसिंग सेक्शन को बचाने के लिए, कैजुअलिटीज को कम करने के लिए यहां पर ये साइन किए गए हैं। इससे आने वाले टाइम पीरियड में भारत की जो आर्मी है और ज्यादा सशक्त हो पाएगी। वैसे इस समय भारत के पास जो टैंक्स हैं वो वर्ल्ड के काफी सुप्रीमो टैंक्स में से एक है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी भी जो कमियां हैं उनको दूर करना काफी ज्यादा आवश्यक है। अब यहां पर भारत अर्थ मूवर लिमिटेड की बात करें तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर DK होता है और इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट श्रीपद यसो नायक है। रिलेटेड न्यूज़ के अंदर अभी हाल ही में 2 दिन पहले LNT के साथ इन्होंने एक समझौता किया था, जिसके अंदर भारत के अंदर और नए आर्म्स बनाए जाएंगे, वेपन्स बनाए जाएंगे और इस ऑर्डिनेंस की सपोर्ट से आत्मनिर्भर चीज़ों को और ज़्यादा सशक्त बनाया जाएगा, जिसके अंदर 1094 करोड़ का एक बजट पास कर दिया गया है। अगली न्यूज़ आती है भारत के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिक संसाधनों को, इलेक्ट्रिक मोटर्स को और ज़्यादा तेज़ी देने के लिए यहाँ पर गाड़ियों के चार्जिंग सिस्टम पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं ऑन रोड। गाड़ियों के ऑन रोड चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि गाड़ियाँ अब जो हैं
इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और ज़्यादा दूर तक तेज़ी से दौड़ पाएंगी, और ये गाड़ियां जो तेज़ी से दौड़ेंगी इनके अंदर इनकी चार्जिंग जो होगी बहुत जल्द हो जाएगी। ऑन रोड का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे पेट्रोल पंप लगते हैं वैसे ही इन गाड़ियों को चार्जिंग सिस्टम लगाया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसके अंदर प्राइवेट व्हीकल्स को इन्होंने चार्जिंग सिस्टम बनाया है। पहले जो चार्जिंग सिस्टम थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके कमर्शियल पर्पज़ के व्हीकल्स के लिए चार्जिंग सिस्टम बने हुए थे। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इम्प्रूव करना है एयर क्वालिटी को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेव किया जा सके, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि आप जैसे आपकी गाड़ी की बैटरी लो हो रही है तो आप क्या कीजिए, चार्जिंग पॉइंट पे जाइए, यहाँ पर 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट में आपकी गाड़ी अगले फिर से 300 किलोमीटर चलने की तैयारी में हो जाएगी। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी गाड़ी 300 किलोमीटर यदि चलने की क्षमता में आ जाएगी तो आपको बैटरी व्हीकल खरीदने में कोई आपत्ति नहीं होगी, और जो भारत में बैटरी व्हीकल नहीं चल पा रहे, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उन चीज़ों पर काफ़ी नज़र रखी जाएगी, काफ़ी कंट्रोल होगा। तो इसीलिए बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट को क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर ये जो वर्ल्ड है ना ऑयल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन रखता है। हर चीज़ का रेट जो होगा इन ऑयल पर डिपेंडेंट होगा। महंगाई बढ़ रही है क्योंकि तेल बढ़ रहा है, अगर तेल सस्ता होगा तो महंगाई कम होगी। अब इन चीज़ों को यहाँ पर समझना क्या है कि और देशों से जैसे जैसे बिगड़ते संबंध है, ईरान से सस्ता तेल मिलता था, ईरान से सस्ता तेल अब बंद हो गया। अब तेल बंद हो गया तो जाहिर सी बात है हमें कहीं ना कहीं कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। वेनेजुएला से अगर हम तेल खरीदते हैं तो इतनी दूरी पड़ जाती है कि लाने में ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी लग जाता है, और आपके देश में फिर उसे रिफाइनरी सेक्शन में डालकर तैयार करने में फिर से वो महंगा पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सोलर एनर्जी को यूज करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए। और वैसे भी आपको पता होगा कि 2020 के लास्ट के बाद सभी प्रकार के प्राइवेट व्हीकल्स जो होंगे, यानी कि कमर्शियल तो चलेंगे डीजल पर, लेकिन प्राइवेट कार्स जो होंगी चलनी बंद हो जाएंगी। डीजल के नाम पर प्राइवेट कार्स चलनी बंद हो जाएंगी, तो पॉल्यूशन की नॉर्म्स को कम करने के लिए पॉलिसी बनाई गई ताकि ग्रीन जोन क्लीन, एक तरीके से क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए। ये एक जॉइंट वेंचर है जो आपका EESL और PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के आधार पर चलाया गया है, और NDMC ने इसको सपोर्ट करके 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर बनाए हैं जो अलग अलग वोल्टेज को लेकर चल रहे हैं। अलग अलग वोल्टेज को लेकर चलेंगे तो जैसे बड़ी गाड़ी होगी तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगी, जैसे छोटी होगी तो उसमें वोल्टेज कम होगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए इसे चलाया गया। इससे हेल्थ और एफिशिएंट एनर्जी बिल्डिंग के आधार माना गया है। क्या है कि इसमें हेल्थ तो बनी रहेगी, पॉल्यूशन कम होता जाएगा, क्योंकि दिल्ली इस समय में सबसे ज़्यादा व्हीकल यूज़ करने वाला सेक्शन बन चुका है पूरे इंडिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी का कारण भी बनता है। तो इसको हमने इस प्रकार से चलाना है। इसको चलाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा ताकि उसे स्टोर करके और तेज़ी से काम करवाया जा सके। अब इसी के अंदर अगर मार्केट इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये 5 साल के लिए फिलहाल परमिशन पा रहा है। दोनों तरफ से बायलेटरल एक तरीके से संबंध है जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, USAID और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के एशिया एज के नाम से एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें ग्रीन जोन को बढ़ाना है। अगर इसकी बात करते हैं EESL की तो चेयरमैन है इसके राजीव शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर है सौरभ कुमार, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। NDMC के चेयरमैन है धर्मेंद्र साहब और मिनिस्ट्री ऑफ पावर राजकुमार, कंस्टिट्यूएंसी आरा बिहार। सेक्रेटरी है संजीव नंदन सहाय और USAID के जो हेडक्वार्टर है यानी यूनाइटेड स्टेट के हेडक्वार्टर है Washington DC, यूनाइटेड स्टेट्स एक्टिंग एम्बेसडर है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जॉन बासरा, और एक्टिव मिशन डायरेक्टर ऑफ इंडिया कौन है यहाँ पे, रमोना एल हजमोए। अगली न्यूज़ आती है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को बचाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर अब हर चीज़ जो है ऑनलाइन बिकने लग गई है। लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हर एक व्यक्ति इस समय पहुंच चुका है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए। तो कोपरा एक्ट जो था वो सभी दुकानों को कवर करता था, सभी प्रकार के अधिकारों को कवर करता था, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पुराने नियम होने की वजह से अब बदलाव की आवश्यकता थी। तो जो पुराना कोपरा एक्ट जो चल रहा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो चल रहा था, वो 1986 में बना था, जिसके बाद अब 1986 के कोपरा एक्ट को बदल कर अब नया एक्ट बना दिया गया है
इसके अंदर इसको पहली बार अप्लाई 2020 को जुलाई को किया गया है, इसे तैयार 2019 अगस्त में फाइनलाइज कर दिया गया था, एनफोर्समेंट में इसे अब लेकर आए हैं। 2019 में पास हो चुका है, राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, एनफोर्समेंट में अब आया है। इसके अंदर रामविलास पासवान जो कि यूनियन मिनिस्टर है कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसे प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोपरा एक्ट का सबसे बड़ा एक मोटिव क्या था, पहले भी एक मोटिव था कि बचाना है, प्रिवेंशन करना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब बेईमानी, धोखाधड़ी, गलत सामान बेच देना, गलत सामान के बाद नकली सामान बेच देना, और नकली सामान बेचने के बाद कंज्यूमर की जान माल को नुकसान होना, परेशानी होना, बीमारी लग जाना, कोई प्रॉब्लम्स बढ़ जाना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत ज़्यादा सख्ती तैयार की है। इसके अंदर क्या कहा गया कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चर गलत चीज़ देता है, डैमेज चीज़ देता है जिससे नुकसान होता है, तो उस परिस्थिति के अंदर शुरुआत में अगर छोटा नुकसान है तो 6 महीने तक की सज़ा और 1,00,000 रुपये का जुर्माना, अगर इंजरी नहीं होती है तो। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इंजरी होती है तो 5,00,000 रुपये का जुर्माना, 7 साल की सज़ा, और मौत हो जाती है अगर व्यक्ति की तो 10,00,000 रुपये का जुर्माना और 7 साल की सज़ा होगी। मतलब कहने का कि यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके आधार पर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए जो बेईमानी चलाने वाले लोग हैं या बेईमानी के आधार पर कंज्यूमर को लूटने वाले लोग हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा सरकार की नज़र है, और नज़र होने की वजह से अब जाहिर सी बात है यहाँ पर काफ़ी सख्ती होने वाली। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हम आपको बता चुके हैं कि ये एस्टैब्लिश पहले ही हो चुका है। ये आपको एम्पावर करेगा किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, इंस्टीट्यूशन कंप्लेंट्स, इसको बचाना, ओवर रिकॉल, अनसेफ गुड्स सर्विसेज, ऑर्डर डिसकंटिन्यूएशन, या जो कई बार होता है ना नकली सामान बेच के उसको फर्जी घोषित कर देते, तो उसके लिए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बनाई। इसके अंदर पूरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 21 दिन के अंदर अंदर डिसीजन देना कंपलसरी है, 21 दिनों के अंदर कंपलसरी हुआ नुकसान का हर्जाना भरना कंपलसरी है। प्लस इसके अंदर ये बात भी ध्यान दी गई है कि डिस्प्यूट को फ्री, एक तरीके से अगर कोई कंप्लेन करने आता है तो उसे किसी भी प्रकार का वकील का या कोर्ट का फीस नहीं लिया जाएगा, और उसके बाद अगर जीतता है तो उसको हाथों हाथ ये रिइंबर्समेंट हो जाएगा। इसको पास किया गया था रामविलास पासवान जी के द्वारा, प्रेजेंट किया गया था 8 जुलाई 2019 को, पास हो गया जुलाई 30 को, और इसके बाद राष्ट्रपति के राज्यसभा में से 6 अगस्त को फाइनलाइज होता है, और रामनाथ कोविंद जी इस पर 9 तारीख को दस्तखत करके इसे पूरा एक कानून बना देते हैं। इससे क्या होगा, आज के दिन जैसे कि कुछ दिन पहले एक उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से शूज़ मंगाए, शूज़ जो थे देखने में पूरे के पूरे वुडलैंड के लग रहे थे, पूरी डिटेल पढ़ने पर वहाँ पर वुडलैंड ही लिखा हुआ था। मेरे पास लेकिन आया तो वुडलैंड के ओ के अंदर एक छोटा सा मार्क बना रखा था, यानी वो स्पेलिंग मिस्टेक करके आपको दिखाया जा रहा था वुडलैंड, और वुडलैंड दिखाने के बाद माल कुछ आ रहा था। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि पैसा जो दिया आपने पूरा दिया और आपके पास चीज़ कुछ और आई, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप चीटेड हुए। चीटेड होने की परिस्थिति के अंदर आपके पास पहले कोई ऑप्शन नहीं होता था ई कॉमर्स के लिए, जबकि अब आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं। यदि रिप्लेस और रिफंड नहीं होता है तब जाके आप कंज्यूमर कोर्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। अगली एक और न्यूज़ है हमारे पास, 21 जुलाई को यहाँ पर लॉन्च हुआ मनोदर्पण। मनोदर्पण एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया है, एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जाएगा, एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाएगा जो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो कि एक एचआरडी मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया वर्चुअली। इसके अंदर जो बेसिकली साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट मिलेगी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, ताकि बच्चे की इमोशनल वेलबींग हो और मेंटल वेलबींग हो। लॉकडाउन की परिस्थिति में जैसा कि बच्चों को घर पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन इस समय में लंबे अरसे से जो बच्चे हैं घर पर बैठे हुए हैं और उनके पास ना तो खेल का कोई रास्ता नजर आ रहा है, ना कोई एंजॉयमेंट का, ना और कुछ, तो ये एक समस्या सी बन चुकी है कि इस समय बाहर निकले तो किस चीज़ से, बीमारी से मरे, और घर में रहे तो डिप्रेशन और टेंशन से मर जाएंगे। तो उनके लिए, उनको मजबूत करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, एजुकेशन सेक्टर और ज़्यादा तेज हो। मनोदर्पण की ये वेबसाइट है, यदि कोई जाकर चेक करना चाहे कर सकता है। इसमें वेब पेज बनाया गया है, टोल फ्री नंबर्स हैं, हैंडबुक दी गई है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो पूरी एनालिस की गई हैं, और एक ऑनलाइन चार्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके अंदर वीडियोज़ हैं, पोस्टर्स हैं, कॉमिक्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं। ये एक तरीके से
बच्चे को मोटिवेट करेगी और उसके साइकोलॉजिकल जो एक तरीके से डिप्रेशन है वो नहीं आएगा और कहीं ना कहीं वो एंगेज रहेगा और भविष्य की प्रोडक्ट्स को लेकर के अपनी क्लैरिटी रखेगा कि मुझे आगे क्या करना है। अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, तो इसके यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं और मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट है संजय धोत्रे हैं। MOU साइन हुआ है किस किस के बीच में, CBDT और MSME के बीच में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनके एक साइन हुआ है डेटा शेयरिंग को लेकर। कौन सी डेटा शेयरिंग होगी, जो जो कंपनियां MSME के अंदर आती हैं, जो जो कंपनियां अपने आप को माइक्रो स्मॉल मीडियम लेवल की दिखा करके अलग अलग छोटे प्रोजेक्ट्स में भी अपना हाथ साफ करने की कोशिश करती हैं, सरकार ने अब उनके डेटा शेयरिंग को किस लिए यूज किया है, ताकि कोई भी कंपनी अपने इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स फिल करने के अंदर कोई भी चोरी या बेईमानी ना करे। सरकार के पास इसका पूरा अधिकार होता है, ये उसके सेक्शंस की डिटेल है, सेक्शन की डिटेल्स के आधार पर सरकार उनसे वो पूरा का पूरा डेटा प्राप्त कर सकती है और आने एक समय आने पर उन पर नकेल भी कसी जा सकती है। इनके लिए एक नोडल ऑफिसर यानी कि एक इंपॉर्टेंट सीनियर ऑफिसर लगा दिया गया है, जिसको सपोर्ट मिलेगी जूनियर्स के साथ में। अब ये सब क्या करेंगे, ये IT डिपार्टमेंट के डेटा को रिसीव करेंगे, इनके पुराने डेटा से नए डेटा को एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सही में टैक्स की चोरी कर रहे हैं या बचाया जा रहा है। इसके बाद में इनके इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड और इनकम टैक्स की स्लैब्स बनाई जाएंगी कि कौन सा कंपनी कौन सा सेक्शन किस एरिया या किस सेक्शन या किस कवर में आता है। इसके अंदर यहाँ पर जो CTBT है, इसके डायरेक्टर प्रिंसिपल ने ये सारी की सारी टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है 14 जुलाई 2020 को। इसके अंदर सेक्शन 138 जो है, इसके अंदर सरकार को पावर है MSME की सभी प्रकार की डिटेल्स प्राप्त करने की। ये यहाँ पर नई MSME की डिटेल है। यदि कोई 6 करोड़ वाली कंपनी अपने आप को इसमें दिखाती है माइक्रो में, या 51 करोड़ वाली अपने आप को इसमें दिखाती है, या 250 करोड़ वाली अपने आप को कम में दिखाती है, तो इसमें वो फंस सकते हैं, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। ये पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेगी डेटा शेयरिंग के द्वारा, प्लस ये भी पता चलता रहेगा कि कौन सी कंपनी एक्टिव है, कौन सी कंपनी काफी टाइम पीरियड से काम नहीं कर पा रही, तो उनको फिर सपोर्ट प्रोवाइड होगा। MSME के यूनियन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट प्रताप चंद्रा सारंगी चेयरपर्सन है यहाँ पर। CBDT के प्रमोद चंद्र मोदी, इससे रिलेटेड काफी सारी न्यूज आती है, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगली न्यूज हमारे पास आती है, नेक्स्ट न्यूज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स पार्टनर ने यूनिसेफ युवा के साथ मिलकर 1 करोड़ यूथ वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया है, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर ही अपने गोल्स को अचीव कर सकें और भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकें। इसकी सपोर्ट करने का मेन पर्पज क्या है, इसका मेन एम है एक साथ काम करना, युवाओं के साथ जुड़ना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके एजुकेशन से रिलेटेड बातें सुनना, ध्यान देना, स्किल्स को देखना और चैलेंजेस जो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करना। इसके अंदर एक तरीके से आमना सामना वाली परिस्थिति होगी, जिसमें इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इसको सुनेंगे। इसकी जो शुरुआत की गई है, किरण रिजू की प्रेजेंस में इसे चलाया गया, जो कि स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इंडिपेंडेंट चार्ज लेते हैं। इन्होंने इसे क्या किया है, फाइनलाइज किया है। अब इस परिस्थिति के अंदर क्या होगा, पहले सुन लीजिए। भारत के अंदर बहुत सारा यूथ ऐसा है जो अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस देख रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख रहा है, उनकी स्किल मैपिंग को ध्यान नहीं दिया जा रहा, सपोर्ट नहीं मिल पा रही, तो अब यहां पर इनके इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सुना जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। ये एक तरीके से NSS के द्वारा यानी नेशनल स्कीम सर्विस स्कीम के द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन कैडर के सेक्शन जुड़ेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा किया जाएगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे पहला गोल आता है एजुकेशन का, यानी कि सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं, तो इसके आधार पर शिक्षा सबसे पहला पॉइंट होगा, स्किल करना दूसरा पॉइंट होगा, चैलेंजेस होंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट के, ये भी एक पॉइंट होगा। इस वीडियो के अंदर या सॉरी इस कोलैबोरेशन की बात करें, तो इसे सपोर्ट मिलेगा एंटरप्राइजेस का, यानी जो जो कंपनियां हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, जिसमें स्किल्स करना, जवान लड़कों को क्रिएट लिंकेज विद सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगी सामाजिक और आर्थिक, इसके अलावा प्रमोट करेंगे ताकि ये आगे इसी प्रकार से किसी भी पार्टिसिपेशन में आगे बढ़ सके। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर की बात करते हैं, तो कौन है यहाँ पे, किरण रिजू है यहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज इनका। इसके बाद यूनिसेफ की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा होल्समैन फोर्स हैं
हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर यूनिसेफ की रिप्रेजेंटेटिव हैं यास्मिन अली हक। इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी न्यूज़ है जो कि बाद में हम डिस्कस कभी कर चुके हैं पहले भी। वैसे राज्यसभा ने लॉन्च किया है एक तरीके से एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम अरुण जेटली के द्वारा। अरुण जेटली जिनका देहांत हो चुका है 24 अगस्त 2019 को, उनकी पत्नी ने संगीता जेटली ने क्या किया है, उनकी जो पेंशन आ रही है वो है 3 लाख रुपए। उस 3 लाख रुपए की पेंशन को उन्होंने क्या किया है, समर्पित कर दिया है। किस प्रकार के लिए, ये एक एंटाइटल दे दिया कि बेनिफिट मिले ग्रुप सी के लोगों को। ग्रुप सी के लोगों को जो लोग किसी भी प्रकार से काम कर रहे हैं उनको सुधार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनकी वाइफ ने इस जो पेंशन को हैंडओवर कर दिया यानी सौंप दिया। इसके लिए इन्होंने बकायदा राज्यसभा के डेस्क दीपक वर्मा से अप्रूवल प्राप्त किया और अप्रूवल प्राप्त करने के बाद इसे इफेक्ट में लाया जाएगा। अब इसका मेन पर्पज क्या होगा, स्कीम का पर्पज क्या होगा? स्कीम का पर्पज होगा कि द वर्ल्ड ऑफ द ग्रुप सी एम्प्लॉयमेंट विल बी अवॉर्डेड 3 स्कॉलरशिप फॉर हायर टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंजीनियरिंग मेडिसिन एंड MCA BBA और LLB। इस ग्रुप सी के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज को जोड़ा जाएगा, अवार्ड दिए जाएंगे, 3 स्कॉलरशिप दी जाएंगी जिसमें पढ़ाई की सारी फंडिंग की जाएगी। फाइनेंशियल सपोर्ट इन केस ऑफ डेथ और मेडिकल इंजीनियरिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द ग्रुप सी एम्प्लॉयज। ये सपोर्ट उसको दी जाएगी जहां पर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होगी या फिर कोई ऐसा केस होगा। एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त फैसला है, भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम रेयर ही केसेज होते हैं जहाँ पर कोई भी कंट्री या कोई भी महिला अपनी पति की पेंशन को या इस तरीके की सपोर्ट को रिटर्न करती है। वैसे एक सबसे बड़ी पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन का भी CM, एक दिन का भी PM या एक दिन का भी कोई सरकारी पोस्ट का कोई नेता बन जाता है, उसकी सैलरी उस दिन से शुरू हो जाती है और उसकी सैलरी तब तक चलती है जब तक वो मृत्यु तक नहीं ले जाता। तो इस तरीके से जो उसकी पेंशन और सैलरी वाला जो प्रोग्राम है वो एक तरीके से बहुत लंबा चलने वाला प्रोग्राम है जिसमें भारत का बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है। राज्यसभा के चेयरमैन है वेंकैया नायडू और सेक्रेटरी जनरल हैं दीपक वर्मा। अगली न्यूज इसी प्रकार से आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एजुकेशन सेटअप कर रहे हैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल जो कि असिस्टेंस करेगा और क्लियरेंसेस करेगा प्रपोजल्स को। अब ये सारा का सारा सिस्टम जो होगा अब सिंगल विंडो सिस्टम से चलाया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब ये होता है कि अब आपको उस चीज़ के लिए अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। सपोज कीजिए आप किसी कंपनी को लेकर जाते हैं, अब आज के दिन पता क्या, कंपनी को लेकर जाते थे तो प्रॉब्लम ये आती थी कि पहले इधर भागो फिर उधर भागो, यहां से क्लियरेंस लो वहां से क्लियरेंस लो, पता चले कि सारा टाइम इन क्लियरेंसेज में ही बीत गया और आपका नंबर ही नहीं आया। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर एक सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है ताकि अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सके। अब इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के अंदर 10 इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के अंदर 10 लोगों की टीम होगी जिसके हेड होंगे अमर दुबे, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के। इसके अंदर काम को तेजी मिलेगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट का सेक्शन बनेगा और अलग अलग तरीके से सपोर्ट मिलेगी। इसके अंदर इसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडरेशन करेंगे। ये इन मेंबर्स की स्कीम है, लिस्ट है कि कौन कौन से मेंबर्स इसके हिस्से होंगे। जैसे 5 मेंबर्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, इसके बाद 1 मेंबर ईच एयरपोर्ट अथॉरिटी का होगा इंडिया का जिसमें कार्गो और लॉजिस्टिक बिजनेस सब्सिडरी होंगे। इसके अंदर 1 फॉर्म होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, 1 to 2 को ऑप्टेड बाय द चेयरमैन ऑफ पर रिक्वायरमेंट, और उसके अलावा जो जो रिक्वायरमेंट होंगी वो पूरी की जाएंगी, एक एक व्यक्ति अलग अलग सेक्शन से लिया जाएगा। इसके सिविल एविएशन की बात करते हैं तो सिविल एविएशन की जो चार्ज हैं वो है हरदीप सिंह पुरी। और रिसेंट जो रिलेटेड न्यूज़ है इनसे रिलेटेड, जो आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ है, इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी भी एक तरीके से रिलीफ, एक ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन यानी गरुड़ा को लॉन्च किया है, गरुड़ा को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक और भी है कि एडवर्स इम्पैक्ट जो COVID-19 के उनको रोकने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जैसे उड़ान फ्लाइट हो गई जिसके आधार पर 37,63,000 टन का बेसिकली मेडिकल और कार्गो 6 दिन के अंदर अंदर भारत में फैलाया गया है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास कौन सी आती है, नेक्स्ट न्यूज आती है गवर्नमेंट अप्रूव करती है भागीरथ इको सेंसिटिव जोन प्लान।
भागीरथ इको सेंसिटिव जोन प्लान क्या है, चलिए स्टडी करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथ इको सेंसिटिव, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 17 जुलाई को इन्होंने क्या किया, चार धाम रोड प्रोजेक्ट जो था वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसके अंदर यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, यहां पर ये पूरा का पूरा इनका डिस्क्रिप्शन है, इन्फॉर्म द अप्रूवल ऑफ जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथ इकोसिस्टम इको सेंसिटिव जोन बाय द मिनिस्ट्री एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 16 जुलाई को इन्होंने क्या किया, इसको रिव्यू किया है, रिव्यू करने के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने इसे परमिशन दे दिया। ये इसके की पीपल हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर बात करें भागीरथ इको सेंसिटिव जोन की, तो 18 दिसंबर 2015 के अंदर इशू किया गया था एक नोटिफिकेशन, जिसके अंदर भागीरथ इको सेंसिटिव एरिया को कवर किया जाएगा, कहाँ से, गोमुख से उत्तरकाशी तक, जो कि कवर करेगा 4179 स्क्वायर किलोमीटर। इस नोटिफिकेशन को पूरी की पूरी तरीके से इशू किया गया है, कीपिंग इन द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल पीपल, एंश्योरिंग देयर लाइवलीहुड सिक्योरिटी आफ्टर इफेक्ट्स राइट एंड प्रिविलेजेस के आधार पर, इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड इंडियन रोड कांग्रेस, द नोटिफिकेशन वॉज अमेंडेड ऑन 16th अप्रैल 2018। ये नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 2018 को लाया गया। ये है जोनल मास्टर प्लान। जोनल मास्टर प्लान क्या है, देखिएगा, जोनल मास्टर प्लान को प्रिपेयर किया गया स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड के द्वारा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति शामिल है। इसके अंदर ध्यान दिया जाएगा कुछ मेजर की फीचर्स को, क्या है, वाटरशेड अप्रोच एंड गवर्नेंस इन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एरिया, वाटरशेड मैनेजमेंट, इरिगेशन, एनर्जी, टूरिज्म, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें इस प्लान के अंदर आएंगी, जिसके अंदर लगभग पूरा का पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा और इन चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, बूस्ट होगा कंजर्वेशन इकोलॉजिकल एरियाज का, इससे बूस्ट होगा आपका कंजर्वेशन इकोलॉजिकल एरिया का, इससे और भी बेनिफिट्स होंगे, जिसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को चलाया जाएगा। अब इसकी मिनिस्ट्री की बात करते हैं, तो प्रकाश जावड़ेकर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बबलू सुप्रियो हैं। रिसेंट न्यूज़ है ये, इसे आप स्टडी कर लीजिएगा। बीआरओ के द्वारा एक कंस्ट्रक्ट हो रही है 400 लंबी लॉन्ग टनल चंबा से उत्तराखंड तक की, और ऐसे ही उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज रिपोर्ट कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटन्ड फ्लोराज। अगली न्यूज़ आती है सेम ऐसे ही डेटा एक्सचेंज की, ये डेटा एक्सचेंज हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड है, बस इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो डेटा एक्सचेंज की जो आपस में पॉलिसी हो रही है वो सीबीडीटी, यानी कि सीबीडीटी का मतलब होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा है आपके पास सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इन दोनों के बीच में डेटा शेयरिंग का प्रोसेस चलाया गया ताकि एक दूसरे को और ज़्यादा रेगुलाइज किया जा सके, नज़र रखी जा सके। तो इसके फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अनुराग सिंह ठाकुर हैं, सीबीडीटी के हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है, चेयरपर्सन प्रमोद चंद्र मोदी हैं। अगर इसी की बात करें सीबीआईसी की, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर और चेयरमैन एम अजीत कुमार है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि इस समय विश्व के अंदर एक और नई स्पीशीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। जो नई स्पीशीज क्या है, एक ऐसी 14 पैर वाली स्पीशीज है जो दिखने में कॉकरोच की तरह है, लेकिन कॉकरोच से बहुत बड़ी है। इंडोनेशिया के समुद्र में इंडियन ओशियन के अंदर पाया गया है। 2018 में ऐसे अप्रोच की गई थी, लेकिन फाइनली इसको रिकॉग्नाइज करना और इसको फाइनलाइज करने में थोड़ा सा समय लग गया। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे अब एक्सेप्ट किया गया और सेकेंड लार्जेस्ट आइसोपोड बन चुका है ये पूरे विश्व के अंदर सेकंड लार्जेस्ट आइसोपोड बन चुका है। इसको देखने में आप रिलेट क्रैब से कर सकते हैं, लॉबस्टर से कर सकते हैं, श्रिम्प से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे फीचर्स है, कॉकरोच के फीचर्स है, लॉबस्टर के फीचर्स है, क्रैब्स के, तो इन सभी की लगभग फीचर्स के अंदर ये इंडियन ओशियन में पाया गया है इंडोनेशिया के पास। इसके 14 पैर हैं, 50 सेंटीमीटर लंबा है। नॉर्मली जो अब तक लॉबस्टर ये मिलते थे उनका मैक्सिमम हाइट जो होता था, मैक्सिमम जो शरीर की लेंथ होती थी वो 33 सेंटीमीटर होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा पाया गया कि 50 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा आइसोपोड मिला है। और इसको आइसोपोड मिलने के बाद में इसकी रिसर्च टीम ने इस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया और ऐसे बहुत सारे रहस्यमय जीवों को ढूंढने का प्रयास फिर से बढ़ चुका है। करेंसी जो है सिंगापुर की जो है सिंगापुरी डॉलर है, प्रेसिडेंट जो है हालिमा याकूब है। अगली न्यूज आती है आईसी
सी ने पोस्टपोन किया है T20 मैच को। T20 मैच COVID-19 की परिस्थिति में फिलहाल पोस्टपोन हो चुका है। पोस्टपोन होने की परिस्थिति के अंदर अभी ये हमाली हालात को देखते हुए, फिलहाल COVID-19 की कंडीशन को देखते हुए इसे ट्रांसफर किया गया, रीशेड्यूलिंग की गई, और रीशेड्यूलिंग के बाद इसकी फर्दर डिटेल्स अभी ऐड होनी बाकी है। जो डिटेल्स अभी टेंटेटेड है, टेंटेटेड का मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं है, फिर भी अगर देखें तो जो वर्ल्ड है ये शिफ्ट हुआ है अक्टूबर नवंबर 2023 तक के लिए, अभी से शिफ्ट कर दिया गया है। ICC के CEO की बात करें तो मनु सहनी है, और आगे 1 अप्रैल 2019 से सक्सीडिंग डेविड रिचर्डसन है जो जून 2012 से थे। अब चेयरमैन जो है इमरान ख्वाजा है, मोटो है क्रिकेट फॉर गुड, हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, और T20 की बात करें तो इज अ टीम जहां पर 20 ओवर का मैच होता है, एडमिनिस्ट्रेटर ICC है। सेम ऐसे ही पुडुचेरी के अंदर क्या किया है, एक बजट प्रिपेयर किया है, 9000 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया गया है, टैक्स फ्री बजट है। सबसे पहली चीज, ऐसा बजट पहली बार आया है जिसके अंदर उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑब्जेक्शन होने के बाद भी इसे प्रेजेंट कर दिया गया, इसे प्रेजेंट कर दिया गया है, और ये पिछले साल से इस बार का ज्यादा बजट रिप्रेजेंट किया गया। पिछले साल जो था, जो बजट था वो था 8425 करोड़ का, लेकिन आज का जो बजट है वो 575 करोड़ ज्यादा का प्रेजेंट किया गया है। अब इस बजट के अंदर लेफ्ट रिसोर्सेज क्या है, ये रिसोर्सेज हैं 59% बजट जो होगा स्टेट ऑन रिसोर्स होगा, 22% जो होगा वो सेंट्रल असिस्टेंट के अंदर होगा, 1710 करोड़ का जो यानी 19% का जो बजट बचता है वो बजट आता है बाकी अलग अलग सेक्शंस में, जो कि नेगोशिएटिंग लोन के अंदर नाबार्ड हो गया, हुडको हो गया, अलग अलग जो ऐसी पार्टीज हैं उनके अंदर। मेजर एक्सपेंसेस भी बताए गए हैं कि मेजर एक्सपेंसेस किसके हैं, सैलरी होल्डर्स हैं, पेंशंस हैं, इसके बाद रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स हैं, इंटरेस्ट हैं, इसके बाद पावर परचेज है, इन सब में डाला जाएगा। इसमें ओल्ड एज पेंशन स्कीम को भी जोड़ा गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रांट्स भी हैं, जैसे 864 करोड़ एम्बार्क किए गए हैं ग्रांट्स, किस चीज़ के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, पब्लिक सेक्टर्स के लिए। बैंक लोन्स जो है 87 करोड़ का अरेंज किया जाएगा एजुकेशन के लिए। इसमें फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम जोड़ी जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा जाएगा डेवलपमेंट स्कीम से रिलेटेड। अबाउट पुडुचेरी की बात करें तो कैपिटल पुडुचेरी है, इसकी रिलेटेड न्यूज़ जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साउथ कोरिया ने मिलिट्री की सपोर्ट के लिए, स्पेशली मिलिट्री की सपोर्ट के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री ने डायरेक्ट कोई रॉकेट छोड़ा हो जिसके अंदर अब सैटेलाइट की सपोर्ट से एक दूसरे के कम्युनिकेशन स्किल्स को उठाया जा सकेगा, तेज किया जा सकेगा। साउथ कोरिया 10वां देश बन चुका है इन चीज़ों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर 10वां देश बन चुका है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी जो चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं इन्हें आप स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, फिलहाल ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ कोरिया की बात करें तो कैपिटल सियोल है, करेंसी जो है साउथ कोरियन वॉन है। अगला पॉइंट आता है, राजस्थान कैबिनेट ने अप्रूव किया है वन स्टॉप शॉप, एक ऐसा सिस्टम जिसे फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट को एनहेंस किया जाएगा। फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट को जब हेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर अफेयर, टूरिज्म, रिवेन्यू, पब्लिक वर्क, हेल्थ, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों को बढ़ाया जाएगा, इन सभी चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर जो स्कीम के अंदर है रिवाइवल इकोनॉमी, रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री, ये इनका मेन थीम रहेगा कि जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या हो, रिवाइव हो। इसके की फैक्टर्स के अंदर क्या है कि इसके की फैक्टर्स में सबसे पहला है अवॉइडेंस ऑफ डिले इन क्लियरेंस। कई बार क्या होता है कि लोन क्लियरेंस करने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, तो अब जो प्रोसेस बनाया गया है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बना दिया गया है, एक ही जगह पे सारे के सारे सेक्शन बना दिए गए हैं। इससे अलग अलग क्षेत्रों के इन्वेस्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, और मोटिवेट होकर के जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, गवर्नर जो है कलराज मिश्रा है। इसी नोट के साथ यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।